Hello students, today in this video we will do our remaining lesson, Madam Rides the Bus. We will start at the page number 120. The line is, may we start now madam, may we start now madam. The conductor वैली के बस में सवार होने के बाद उससे पूछता है कि मे वी स्टार्ट ना मैडम, मैडम क्या अब हम चलें? स्टार्ट में चलना यहाँ पे। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, द कंडक्टर कंडक्टर ने आस्क्ड पूछा, स्माइलिंग में मुस्कराते हुए पूछा कि क्या मैडम अब चलें? देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, देन फिर ही ब्लू उसने बजाई हिज विसल अपनी सिटी ट्वाइस मिनी दो बार, फिर उसने अपनी सिटी दो बार बजाई। एंड द बस मोड फॉरवर्ड विद रोयर, एंड द बस और बस मोड मिनी बड़ी चली, फॉरवर्ड मिनी आगे की तरफ, विद रोयर मिनी शोर के साथ, और बस शोर के साथ आगे की तरफ चली। नाउ वी लीड टू द नेक्स्ट पैसेज, द लाइन इज इट वॉज ए न्यू बस, इट वॉज यह थी ये न्यू बस मिनी नई बस, एक नई बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड इन ग्लीमिंग वाइट विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, इट्स आउटसाइड इसकी बाहर वाली साइड पेंटेड मिनी रंग किया हुआ था, इन्हें ग्लीमिंग मिनी चमकदार वाइट मिनी सफ़ेद, विद सम ग्रीन स्ट्राइप्स कुछ हरी पट्टियों के साथ धारियों के साथ, अलोंग द साइड्स मिनी साइड में, तो इसकी बाहर वाली साइड चमकदार सफ़ेद रंग से पेंट की हुई थी और सफ़ेद रंग पे सम ग्रीन स्ट्राइप्स थी, कुछ हरी पट्टियाँ खींची हुई थी, बनाई हुई थी। इनसाइड द ओवर हेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, इनसाइड मीनिंग अंदर, द ओवर हेड मीनिंग ऊपर वाले, बार्स मीनिंग सलाखें लेकिन यहाँ पे डंडे, लोहे के डंडे, सोन में नहीं चमक रहे थे लाइक सिल्वर चांदी की तरह, अंदर ऊपर लगे हुए डंडे चांदी की तरह चमक रहे थे, यानी कि उनको सिल्वर पेंट किया हुआ था। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली, डायरेक्टली सीधा इन फ्रंट ऑफ के सामने वैली, वैली के अबव द विंडशील्ड, विंडशील्ड ए ग्रास ए ग्लास स्क्रीन दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम द विंड, हवा को रोकने वाला शीशा, अबव द विंडशील्ड हवा को रोकने वाले शीशे से ऊपर, देर वॉज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, देर वॉज थी ब्यूटीफुल मीनिंग सुंदर, क्लॉक मीनिंग घड़ी। तो वैली के बिल्कुल ऊपर सामने विंडशील्ड के ऊपर, हवा को रोकने वाले शीशे के ऊपर बिल्कुल सामने वैली के एक ब्यूटीफुल क्लॉक थी, एक सुंदर घड़ी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, द सीट्स मिनी सीटें वर थी सॉफ्ट मिनी नरम, एंड लग्जरियस मिनी विलासमय ऐश्वर्यपूर्ण, सीटें नरम और विलासपूर्ण थी। नाउ वी शैल लीड to the next passage, Valley devoured everything with her eyes, Valley Valley ने devoured मीनी देखना, watch to take greedily watch लालच भरी निगाहों से देखना, Valley Valley ने devoured देखा एवरीथिंग हर चीज़ विद हर आइज अपनी आँखों से, वाली ने हर चीज़ को अपनी आँखों के साथ गौर से देखा। बट वैन सी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, बट लेकिन वैन सी स्टार्टेड जब उसने शुरू किया टू लुक आउटसाइड बाहर देखने की, बाहर देखना, सी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाई ए कन्वेस ब्लाइंड, सी फाउंड उसने पाया हर व्यू अपनी दृष्टि को कट ऑफ में नहीं कट होते हुए, लुकआउट होते हुए बाई कैनवस, कैनवस मोटा पर्दा, ब्लाइंड
ए कवर ओवर द विंडो दैट कैन बी पुल्ड अप और डाउन। तो मोटा पर्दा ब्लाइंड मीनिंग दृष्टि को बाधित कर रहा था। दैट कवर्ड जो ढके हुए था द लोअर पार्ट निचला हिस्सा ऑफ हर विंडो उसकी खिड़की के। तो एक मोटा पर्दा जो उसकी खिड़की के निचले पार्ट को ढके हुए था, उस मोटे पर्दे से उसकी जो नज़र थी वो बाधित हो रही थी, यानी कि वो बाहर कुछ देख नहीं पा रही थी। सो इसलिए शी स्टूड अप, खड़ी हो गई ऑन द सीट सीट पे एंड पियर्ड पियर्ड जा पियर्ड और मीनिंग के ऊपर से झांकना, लुकड क्लोजली ओवर, पियर्ड और मीनिंग लुकड क्लोजली ओवर समथिंग। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट, इसलिए उसने सीट वो सीट पे खड़ी हुई एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और पर्दे के ऊपर से, ब्लाइंड यहाँ पे पर्दा कर्टेन, पर्दे के ऊपर से झांकने लगी। नाउ वी शैल लीड टू द नेक्स्ट पैसेज। द लाइन इज द बस वॉज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ ए कैनल। द बस बस वॉज नाउ अब गोइंग जा रही थी अलोंग मीनिंग के साथ, द बैंक मीनिंग किनारा, ऑफ ए कैनल मीनिंग नहर। बस अब नहर के किनारे के साथ साथ जा रही थी। द रोड वॉज वेरी नैरो, सड़क बहुत तंग थी। ऑन वन साइड एक साइड में देर वॉज ए द कैनल, एक साइड में कैनल थी, नहर थी। एंड बियॉन्ड और इट, बियॉन्ड मीनिंग इसके पार, बियॉन्ड मीनिंग के पार, पाम ट्रीज ग्रास लैंड डिस्टेंट माउंटेन्स। पाम पाम मीनिंग ताड़ के, ट्रीज मीनिंग पेड़, पाम मीनिंग ताड़, ट्रीज मीनिंग पेड़, ग्रास लैंड मीनिंग घास के मैदान, डिस्टेंट माउंटेन्स और दूर स्थित पहाड़, डिस्टेंट मीनिंग दूर स्थित, माउंटेन्स मीनिंग पर्वत पहाड़, एंड द ब्लू ब्लू स्काई और नीला नीला आकाश। तो वन साइड देर वॉज ए कैनल, एक साइड तो नहर थी, और नहर के पार ताड़ के पेड़ थे, पाम ट्रीज थे, घास के मैदान थे, और दूर स्थित पर्वत थे, और ब्लू ब्लू स्काई और नीला नीला आकाश दिखाई दे रहा था वैली को। ऑन अदर साइड, दूसरी साइड वाज थी ए डीप डिच, डीप गहरी डिच मीनिंग खाई, दूसरी साइड गहरी खाई थी। एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड, देन फिर एकर्स एंड एकर्स, कई एकड़ों में, ग्रीन फील्ड्स मीनिंग हरे खेत थे, फिर कई एकड़ों में हरे खेत थे, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक, एज फार एज मीनिंग जहाँ तक, द आई कुड सी आँखें देख सकती थी, हर जगह क्या थी, ग्रीन 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 हरियाली थी। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, ओ इट वॉज ऑल, यह सब सो वंडरफुल, कितना अद्भुत था। सडनली अचानक सी वॉज स्टार्टल्ड बाई ए वॉइस, सी वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन चौंकना, हैरान होना, बाई ए वॉइस मीन एक आवाज़ के द्वारा, आवाज़ सुन के, अचानक आवाज़ सुन के वह चौंक गई। लिसन चाइल्ड, सुनो बच्ची, सेड द वॉइस, आवाज़ ने कहा, आवाज़ ने कहा कि सुनो बच्ची, यू शुडेंट स्टैंड लाइक दैट, यू स्टैंड स्टैंड, आपको स्टूडेंट स्टैंड में नहीं खड़ा नहीं होना चाहिए, लाइक दैट नहीं, उस तरह आपको उस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए, सिट डाउन, बैठ जाइए। नाउ वी विल लीड टू द नेक्स्ट पेज। द लाइन इज सिटिंग डाउन सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। सिटिंग डाउन मीनिंग बैठते हुए, सी लुक्ड उसने देखा, टू सी यह देखने के लिए देखा, कि हु हैड स्पोकन कि कौन बोला था, नीचे बैठते उसने देखा कि कौन बोला था। इट वॉज एन एल्डरली मैन, इट वॉज यह था एन एल्डरली मैन मीनिंग बुजुर्ग व्यक्ति, हु हैड ऑनेस्टली जो ईमानदारी से, बीन कंसर्न, कंसर्न मीनिंग चिंतित, फॉर हर मीनिंग उसके लिए, वह एक बुजुर्ग था जो ईमानदारी पूर्वक उससे, उसके प्रति चिंतित था, किसके प्रति, वैली के प्रति। बट सी वॉज अनॉयड बाई हिज अटेंशन, बट लेकिन सी वॉज अनॉयड, अनॉयड में नाराज होना, खींचना, बाई हिज अटेंशन उसके ध्यान से, लेकिन वह उसके ध्यान की वजह से नाराज हो गई, खींच गई। देर इज नो बॉडी हेयर हु इज ए चाइल्ड, देर इज नो बॉडी, यहाँ कोई नहीं है, हेयर मीन यहाँ पे हुई जे चाइल्ड, जो बच्चा हो।
शी सैड, उसने कहा हॉटली, हॉटली मीनिंग एरोगेंटली, प्राउडली, गर्व से। उसने गर्व से कहा कि यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है जो बच्चा हो। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, आई हैव पेड, मैंने दिए हैं माई 30 पैसे, 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स मीनिंग हर किसी की तरह, हर किसी यात्री की तरह मैंने 30 पैसे दिए हैं। द कंडक्टर, कंडक्टर ने चाइम्ड इन मीनिंग कट इन, इंटरप्ट, चाइम्ड इन मीनिंग इंटरप्ट, दखलंदाजी देना। कंडक्टर ने बीच में दखलंदाजी की, ओ सर, अरे श्रीमान, बट दिस इज़ वेरी ग्रोन अप मैडम, दिस इज़ यह है वेरी ग्रोन अप मीनिंग एक बड़ी व्यस्क मैडम ही नहीं मैडम, यह तो बड़ी व्यस्क मैडम है, छोटी नहीं है, बच्ची नहीं है। डू यू थिंक, क्या आपके विचार में ए मेयर गर्ल, एक लड़की, कुड पे, दे सकती है हर ओन फेयर, अपना खुद का किराया, एंड ट्रेवल, और यात्रा कर सकती है टू द सिटी, शहर की आलोलनी अकेली? क्या आपके विचार में एक लड़की अपना खुद का किराया दे सकती है और अकेली नगर का यात्रा कर सकती है? वैली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर, वैली वली ने शॉट भी नहीं डाली, एन एंग्री, एक क्रोध भरी ग्लांस में दृष्टि एट द कंडक्टर, कंडक्टर की तरफ, एंड सैड, और कहा वैली ने कंडक्टर की तरफ क्रोध भरी दृष्टि डाली और कहा, आई एम नॉट ए मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज़ रिमेंबर दैट, कृपया करके यह बात याद रखिए, एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, यू हैव नॉट, आपने नहीं, येट मीन अब तक, गिवन दिया है मी मीनिंग मुझे माई टिकट, मेरी टिकट, और आपने अब तक मुझे मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई शैल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, आई शैल रिमेंबर, मैं याद रखूँगा, द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा, मिमिकिंग, मिमिकिंग मीनिंग इमिटेटिंग, कॉपी, मिमिकिंग मीनिंग इमिटेट करना, कॉपी करना, हर वॉइस, हर टोन उसके लहजे की, कंडक्टर उसके लहजे की, उसकी आवाज़ की नकल उतारते हुए बोला, मैं याद रखूँगा। एवरीवन लाफ्ड, हर कोई हंसा, यानी कि बस में यात्री थे वो हंसे, एंड ग्रेजुअली वैली टू जॉइंड इन द लाफ्टर, ग्रेजुअली धीरे धीरे वैली, वैली टू विनी भी जॉइंड मीनी शामिल हो गई इन द लाफ्टर मीनी हंसी में, और धीरे धीरे वैली भी उस हंसी में शामिल हो गई। द कंडक्टर, कंडक्टर ने पेंस्ड मीनी काटी, ए टिकट, एक टिकट, कंडक्टर ने एक टिकट काटी एंड हैंडेड इट, और इसे दे दिया टू अरविनी, उसे, और टिकट उसे दे दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, जस्ट केवल सिट बैक, वापिस बैठ जाओ, एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, और अपने आप को आराम दीजिए, आराम से बैठ जाइए। वाई शुड यू स्टैंड, आप क्यों खड़ी हो? वैन यू हैव पेड फॉर द सीट, वैन, जब यू हैव पेड, आपने किराया दे दिया, फॉर ए सीट मीन सीट के लिए। कंडक्टर ने कहा कि जब आपने सीट का किराया दे दिया तो आप खड़ी क्यों हो? वैली बोलती है, बिकॉज आई वॉन्ट टू, क्योंकि मैं खड़ी होने चाहती हूँ। सियान सर, उसने उत्तर दिया, स्टैंडिंग अप अगेन, एक बार फिर से खड़ा होते हुए उसने उत्तर दिया, क्योंकि मैं खड़ी होना चाहती हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन इन द सीट, बट लेकिन इफ़ यू स्टैंड ऑन, आप खड़ी हो जाओगे, द सीट मीन सीट पे, यू मे फॉल, आप गिर सकती हो, एंड हर्ट योर सेल्फ, और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो। वन द बस, जब बस मेक्स करेगी ए शार्प टर्न, तिखा मोड़, जब बस तिखे मोड़ पे मुड़ेगी तो आप गिर सकती हो और अपने आप को चोट पहुंचा सकती हो। या फिर और, हिट्स ए बम्प, हिट्स मीनी गुजरना, जाना, बम्प मीनी ए रेस्ड पार्ट ऑफ ए फ्लैट सरफेस, धरातल का ऊपर उठा हुआ भाग। लेकिन जब बस तीखा मोड़ काटेगी या फिर धरातल के धरती के बम्पिंग्स प्लेस से उबड़ खाबड़ जमीन पे चलेगी तो आप गिर सकती हो और अपने आप को चोटें पहुंचा सकती हो। दैट्स वाई वी वांट यू, इसलिए हम आपसे चाहते हैं, टू सिट डाउन चाइल्ड, बच्ची बैठ जाए।
आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ चाइल्ड, एक बच्चे, आई टेल यू, मैंने आपको बता दिया ना, सी सैड, उसने कहा इरिटेबली, मीनिंग चिढ़ते हुए, खिंचते हुए, चिढ़ते हुए उसने कहा कि मैंने आपको बता दिया कि मैं बच्ची नहीं हूँ, आई एम 8 ईयर्स ओल्ड, मैं 8 वर्ष की हूँ। ऑफ कोर्स निसंदेह बेशक, ऑफ कोर्स सचमुच, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, मैं कितना स्टूपिड हूँ, स्टूपिड मीनिंग मूर्ख, मैं कितना मूर्ख हूँ, कौन बोल रहा है, कंडक्टर अपने आप को ही। 8 ईयर्स, 8 साल, माई बच्ची, आप 8 साल की हैं, मैं कितना मूर्ख हूँ कि या मैं आपको बच्ची बोल रहा हूँ, आप 8 साल की हैं। द बस स्टॉप्ड, बस रुकी, सम न्यू पैसेंजर्स, कुछ नए यात्री गोट ऑन, मीनिंग सवार हुए, बस रुकी और कुछ नए यात्री सवार हुए। एंड द कंडक्टर गोट बिजी फॉर ए टाइम, कंडक्टर, कंडक्टर गोट बिजी, व्यस्त हो गया, फॉर ए टाइम इन, कुछ समय के लिए कंडक्टर व्यस्त हो गया। अफ्रेड ऑफ, डर से, ऑफ लॉजिंग, गंवाने की, हर सीट में, अपनी सीट, अपनी सीट गंवाने के डर से, वैली वैली फाइनली अंत में सैट डाउन, बैठ गई, अपने सीट गंवाने के डर से वैली अंत में बैठ गई। एन एल्डरली वोमन केम, एक बुजुर्ग महिला आई, एंड सैट, और बैठ गई बिसाइड हर, मीनिंग उसकी बगल में, एक बुजुर्ग महिला आई और उसकी बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर, डियर प्रिय, आर यू ऑल अलोन, क्या बिल्कुल अकेली हैं, शी आस्क्ड वैली, उसने वैली से पूछा, एज द बस स्टार्टेड अगेन, जैसे ही बस दोबारा से चलनी शुरू हुई तो उसने वैली से पूछा, क्या आप अकेली हैं। वैली फाउंड द वोमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, वैली, वैली ने फाउंड पाया द वोमेन, उस महिला को, एब्सोल्युटली मीनिंग पूर्णतया, रिपल्सिव मीनिंग अनप्लीजेंट, अरुचिकर, वैली ने उस महिला को बिल्कुल अरुचिकर पाया। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर लोब्स, सच में इतने ज़्यादा, बिग होल्स, बड़े बड़े छेद, सी हैड उसके थे, इन हर ईयर लोब्स, उसकी कानों की पालियों में बहुत बड़े बड़े सुराख थे। एंड सच अगली इयर रिंग्स इन दैम, एंड सच में नहीं, और बहुत ज़्यादा अगली, मिनी भद्दी, इयर रिंग्स मिनी बालियाँ, इन दैम मिनी उनमें, और उनमें बहुत भद्दी बालियाँ पहनी हुई थी। एंड सी कुड स्मेल, और उसको स्मेल आ रही थी, द बीटल नट, द बीटल नट मिनी सुपारी, द वोमेन वाज चिविंग, जो महिला चबा रही थी, चिविंग मिनी चबाना, और उसे उस सुपारी की सुगंध आई, जो महिला चबा रही थी। एंड सी, और उसने देखा, द बीटल जूस, उस सुपारी का जूस, लार, दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल, थ्रेटनिंग टू स्पिल मीनिंग गिरने वाली थी, स्पिल मीनिंग गिरना, ओवर हर लिप्स, उसके होठों से, एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण, तो उसके होठों से वो बीटल जूस किसी भी क्षण गिरने वाला था, ऐसा वाली ने देखा कि वे कभी भी उसके होठों से वो बीटल जूस स्पिल ओवर हो सकता था, लुढ़क सकता था, गिर सकता था। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल डू रिमेनिंग लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू स्टूडेंट्स।